हेलो माय वंडरफुल किड्स, कैसे हो आप? होप यू आर फाइन। अब आज है ना डेट कौन सी है 30, तो मैं आज आपको वर्कशीट करवा रही हूँ, इंग्लिश की वर्कशीट। तो आपको ये वर्कशीट का क्या करना है, मोबाइल में हमने जो होमवर्क सेंड किया है तो उसमें आपको पहले ही वर्कशीट दे दी थी। अब आइदर यू हैव टू जेरोक्स इट, इसमें से जेरोक्स करवाना है, या फिर आपकी नोटबुक में भी आप लिख सकते हो। देखो आपकी 4 लाइन की नोटबुक है, उसमें इस तरह से सारे क्वेश्चन की हेडिंग लिखते जाना। ये सारा पार्ट मम्मी कर देंगे और बीच में आपने जहाँ पर ज़रूर हो वहाँ पर आपने लिखना है। सपोज ये क्वेश्चन 1, डेट डाल दो यहाँ पर 30। ये आप नोटबुक में कर रहे हो तो इस तरह से, वर्कशीट में कर रहे हो तो डायरेक्ट करना है। चलो WRITE राइट, CURSIVE क्या करना है हमें, कर्सिव, कौन से कैपिटल CF एंड स्मॉल। मैं आपको हेडिंग सबकी बता रही हूँ। अब यहाँ पे लेटर्स लिया लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर K लिखा है तो आपको फर्स्ट बॉक्स में क्या करना है, कैपिटल K करना है और कर्सिव का, और सेकंड बॉक्स में स्मॉल K करना है कर्सिव का, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दिया हुआ है। अब सेकंड बॉक्स देखो, यहाँ पे H है, यू हैव टू राइट H, कैपिटल H एंड स्मॉल H ऑफ कर्सिव लेटर, ठीक है, H इस तरह से। अब यहाँ पे 4 कॉलम है, आपके यहाँ पर 4 कॉलम नहीं आती है तो आप 2 कॉलम में कर सकते हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह से। अब क्वेश्चन 1 मैंने आपको समझा दिया, ये सारा कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपने M लिखना है। देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वर्कशीट में भी बता रही हूँ, किसी को वर्कशीट में नहीं आता है तो वो भी सिखा दे रही हूँ जी, इस तरह से, ठीक है। और नोटबुक में लिखते हैं तो आपको एक के नीचे एक ऐसे 6 लिखना है और ये इस साइड 6 लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो डिक्टेशन में आपकी मम्मा आपको कोई भी वर्ड बोलेंगे, 1, 2, 3 इस तरह से स्लिपिंग लाइन में। सपोज़ बैग बोलती है तो यहाँ पे आपने बैग लिखना है, पर मैं वो आपको करवा दे रही हूँ, याद रखो। चलो मैं बोल रही हूँ, वो आपकी मम्मा पहले नोटबुक में लिख लेंगी, फिर वही स्पेलिंग आपको बताएंगी। चलो स्टार्ट, फर्स्ट टेग, फिर उसके बाद वेट, वेट यानी वेटिनरी वेट वाला, हाँ वो मैंने बोल भी दिया आपको सेकंड में। थर्ड में किड, चलो बेग टेग वेट किड। अब फोर्थ में आपकी मम्मा आपको बोलेंगी जैम, फिर डिग, जैम के बाद डिग, और लास्ट वन का स्पेलिंग मैंने धीस दैट का करवाया था आपको, तो धीस। चलो एक बार नोट कर लो, टैग वेट, वेट यानी वेटनरी वेट, किड जैम डिग धीस। अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपने सेकंड में सारे डिक्टेशन के वर्ड्स इस तरह से मैंने जो बताए उस तरह से आपकी मम्मा आपको बताएंगी और लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में फ्रूट्स नेम लिखना है, हेडिंग मम्मा लिख देंगे, राइट एनी 4 फ्रूट्स नेम, फ्रूट के नेम लिखना है, तो वो मैंने आपको सिखा दिए है। तो आपको यहाँ पर एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज इस तरह से लिखना है। चलो फोर्थ क्वेश्चन में लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, यहाँ पर ऐसे हेडिंग लिखेंगी मम्मा, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। अब क्या करना है, यहाँ पर ये पिक्चर है वो मम्मा ड्रॉ करेंगी। सपोज ये है कैप, सो इजी है कैप का, तो मम्मा इस तरह से ड्रॉ कर लेंगी और फिर बाद में देखो यहाँ पे आपको CAP कैप लिखना है। सेकंड वन वाला टैग है तो यहाँ पे मम्मा टैग ड्रॉ करेंगी और फिर आपको TAG टैग इस तरह से लिखना है। ये सारे पिक्चर पे कैप, टैग, पिन, वेब, मैन, MEN मैन और VAN वैन इस तरह से कंप्लीट करना है। चलो अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉसवर्ड मम्मी लिख देंगी,
क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर टेन लिखेंगी और यहाँ पर हैन का पिक्चर। तो चलो यहाँ पर टी ई एन टेन और एच ई एन हैन होता है। इस तरह से यहाँ पर नोटबुक में ड्रॉ करना है। हाँ, बी आई बी बी एन आई बी नीब। चलो विच पिक्चर इज दिस? यम, वाई ए एम यम, जे ए एम जैम। अब 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगी मम्मा मिसिंग राइमिंग वर्ड। तो चलो यहाँ पे बी ए टी, लास्ट ए टी है तो हम क्या करेंगे? सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट, ए एन सी ए एन कैन, वी ए एन वैन, एम ए एन मैन, डे एच ए वाई है, एम ए वाई मैन, ए वाई आ गया टेन, तो एच ई एन हैन, एम ई एन मैन। इस तरह से लास्ट में ई एन ई एन। अब देखो 7th में यहाँ पर नोटबुक में सब कुछ करना है, मैं समझा रही हूँ। हेडिंग पहले डालेंगे मम्मा और इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, आपको करेक्ट वर्ड पर सर्कल करना है। चलो विच पिक्चर इज दिस? तो मैट, दिस इज प्रैंक, दे आर डूइंग वेडिंग, वेड, बी ई डी बेड, एन आई बी नी और एफ एल ए जी प्ले। अब इसमें आपको ई डबल एल और ए डबल एल वाले वर्ड है तो अलग से लिखना है। सबसे पहले देखो बी ई डबल एल, लास्ट में ई डबल एल है तो इसमें लिखोगे आप बी ई डबल एल बेल, एच ए डबल एल तो यहाँ पर लिखना है एच ए डबल एल हॉल, वाई ई डबल एल तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई डबल एल वाले सारे यहाँ पर और ए डबल एल वाले, और आपको राइट करते जाना है। चलो वाई ई डबल एल, अब टॉल टी ए डबल एल टॉल तो ये हो गया, इसलिए राइट करना। अब सी ए डबल एल कॉल, मैं राइट करके यहाँ पे सी ए डबल एल लिखूँगी। इस तरह से कंप्लीट करना है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन रीड एंड मैच। चलो ए एफ ए टी फैट, सी ए टी कैट, फैट कैट कहाँ पर है? दिस वन इज फैट कैट। कहाँ पर है? ऑन अ मेट, मेट पर बैठी है। अ एफ ए टी फैट, आर ए टी रेट, दिस वन इज फैट रेट, सो मैच इट। क्वेश्चन 10 सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। विच पिक्चर इज दिस? ही इज वेट, वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, वेट उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। टेक द पेट, पेट यानी पालतू प्राणी को कहाँ पर लेके जाएंगे हम? वेट के पास, यानी उसके उनके डॉक्टर के पास। अब विच पिक्चर इज दिस? तो नेट, तो द नेट इज वेट, तो आपको यहाँ पे नेट लिखना है। ठीक है बेटा, इस तरह से पेपर सारा कंप्लीट करके मुझे आप होमवर्क में सेंड कीजिए, नोटबुक में कीजिए या फिर वर्कशीट में, पर कंप्लीट होना चाहिए। ओके बेटा, बाय, हैव नाइस डे।